नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद मैनपुरी में संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साके सहित 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों पूरी तरह से सजग नजर आए। जनपद मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। शाम ढलते ढलते कुल 54.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विधानसभा क्षेत्र करहल, भोगांव, मैनपुरी, किसनी आदि क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर वोट डालने वाले लोग लाइन में नजर आते। तमाम युवा भी अपने बुजुर्गों को गोद में उठाकर वोट डलवाने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। सैफई परिवार से जुड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डिंपल यादव आदि ने भी अपने ग्राम सैफई में मतदान किया है। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के चलते मतदान केंद्र पर पुलिस व अर्धसैनिक बल पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। समाजवादी पार्टी के नेतागण चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन पर गड़बड़ी एवं पक्षपात का आरोप लगाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए जिले में पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की बात कही है। जिलाधिकारी व SP एवं तमाम आला अधिकारियों ने पूरी तरह से सजगता के साथ तमाम मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा व सपा को छोड़कर कई अन्य किसी प्रत्याशी का बस्ता भी नजर ही आया। मतदान केंद्र पर वोट डालकर लौटे तमाम मतदाताओं ने हाथ की अंगुली पर लगी स्याही दिखाकर जागरूक नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ मैनपुरी लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। शाम ढलते ढलते जनपद में 54.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव के दौरान करहल विधानसभा क्षेत्र पहुंचे जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। न्यूज़ 9 भारत के लिए मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। जा रहे हैं, हर प्रकार की सूचना बनाई जा रही है। हम लोगों के कंट्रोल रूम भी बने हुए हैं। हम लोगों के तमाम अधिकारी निरंतर जो है हम समझशील हैं और जिस भी प्रकार की कोई कंप्लेंट भी आ रही है, शिकायत आ रही है, उसका तत्काल विदाउट डिले उसका अटेंड किया जा रहा है और जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रदान करा जा रहा है। सर, कोई गतिविधियाँ ऐसी संदिग्ध पाई हैं? अफवाहों का दौर एकदम बढ़ गया है। कहीं कोई अफवाह की बात नहीं है। पूरे जनपद में हर जगह बहुत ही शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। प्रशासन और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हर जगह पूरी मस्तैदी के साथ निष्पक्ष। किसी और नंबर पे बात हो रही हो तब नहीं उठाया गया हो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी फोन कॉल आ रहे हैं सभी को रिसीव किया जा रहा है, सभी का जवाब दिया जा रहा है और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए संपूर्ण प्रशासन कमर कस लिया है, कटिबद्ध है और बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराया जा रहा है। सर, क्या किसी कार्यकर्ता को चाहे गिरोह हो या अन्य जगह हिरासत में लिया गया या थाने में बैठाया गया है? एक पूर्व चेयरमैन अनिल गुप्ता को गिरोह में थाने में बैठाया गया था। वो हर आदमी जो चुनाव को डिस्टर्ब करेगा, गुंडई करेगा, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई की जाएगी चाहे कोई भी। सर, मतदाताओं से कोई अपील? अफवाहें बहुत तरह तरह की उड़ रही हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सभी से तरीके से मतदान कार्य चल रहा है, सभी जगह ड्यूटियां हैं, प्रभावी ढंग से अपनी ड्यूटी कर रही हैं और कहीं पूरे जनपद में कुशलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार सभी मोबाइल पार्टियां भ्रमणशील हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज PSC अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। सर, सपा और भाजपा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पदाधिकारियों को पीटने का और इस तरीके की चीज़ें। नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी जगह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव सकुशल संपन्न हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जनपद में कुशलता है, लगातार सारी मोबाइल पार्टियां, सारे वरिष्ठ अधिकारी भ्रमणशील हैं और पूर्ण कुशलता है। सर, डिंपल जी, आज आप यहां करहल पहुंची हैं, क्या आपने निरीक्षण किया है मतदेय स्थल का, क्या लगता है किस तरीके से लगातार ट्वीट किया जा रहा है आपके द्वारा? करहल तो ठीक चल रहा है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बाकी जो विधानसभाएं हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है आ रही है। लगातार भाजपा को ट्वीट कर रही हैं आपकी, गड़बड़ी की जा रही है प्रशासन? जी हाँ, प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है और अब ये देखना है कि आने वाले चुनावों में कितनी बड़ी भूमिका रहेगी प्रशासन की। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे वोटर को लेकर? जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब बढ़िया है? चलो बढ़िया है, बिल्कुल ठीक।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।